नमस्कार फ्रेंड्स, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये जो रीडिंग है ये कोलकाता के सीनियर आईपीएस ऑफिसर राजीव कुमार जी के लिए है। ममता, वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी मैडम, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं ये। उनके ऊपर काफ़ी समय से सीबीआई कस्टडी के लिए उनकी मांग कर रही थी और फाइनली सीबीआई को उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर मिल गया है, लेकिन सीबीआई अभी तक उन्हें अपनी कस्टडी में नहीं ले पाई है। तो क्या है आगे का, क्या होगा राजीव कुमार का? क्या सीबीआई को उनकी कस्टडी मिल पाएगी या क्या राजीव कुमार बच जाएंगे? और मैंने एक ट्वीट देखा था फेमस डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर गौरव प्रधान का। उन्होंने उसमें लिखा था कि ये भाग गए हैं बांग्लादेश, ममता के जिहादियों ने भगा दिया है इन्हें, उनकी मदद से ये बांग्लादेश भाग गए हैं। तो क्या वाकई में बांग्लादेश भाग गए हैं, देश के बाहर चले गए हैं, या क्या ये देश में ही हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने आप को कैसे बचाया जाए उसकी? तो यही सब सवालों के जवाब हम लेने वाले हैं ये रीडिंग में। तो आगे बढ़ने से पहले एक सिंसियर रिक्वेस्ट, जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अपने कमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक्स हमेशा मुझे ज़रूर देते रहें, क्योंकि अभी तक जस्ट आप ही के सजेशंस, ये जो टॉपिक है ये भी आप ही के सजेशंस में से एक है, और आगे भी मैं अप्रोप्रिएट टाइम पे सभी सजेशंस के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज प्रेजेंट ऑफ राजीव कुमार, स्ट्रगल, फाइटिंग। बट आज 15 सितंबर है, 15 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय कैसा है उनका? हैप्पी फैमिली कार्ड, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलने जा रही है। अगर वो कोर्ट के पास जाते हैं तो उन्हें यकीनन राहत मिलेगी। फिर 1 अक्टूबर 2019 से लेकर तो 31 दिसंबर 2019 तक का समय कैसा रहेगा राजीव कुमार का? वर्ल्ड कार्ड। अभी वर्ल्ड कार्ड का एक मतलब होता है लॉन्ग ट्रैवल, विदेश से संबंधित कुछ, और दूसरा रहता है मृत्यु, और तीसरा है विश फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका मतलब मुझे विश फुलफिलमेंट से जरूर दिखता है। हो सकता है कि ये किसी न किसी रीजन से आउट ऑफ इंडिया जाने की परमिशन मांगे, लेकिन जो होगा वो कोर्ट से होगा। ये भागने वाला नहीं है, ये आदमी भागेगा नहीं, देश से बाहर जाएगा भी तो कोर्ट के परमिशन से जाएगा। जस्टिस कार्ड आया है क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ साफ नजर आता है सीबीआई को इनकी कस्टडी मिलने में बहुत परेशानी होने वाली है। इतनी आसानी से सीबीआई इनको कस्टडी में नहीं ले पाएगी। क्यों नहीं ले पाएगी? क्योंकि ये आदमी भी आईपीएस ऑफिसर है और ये कोर्ट कचहरी के दाव पे सारे जानता है, और ये भी कोर्ट कचहरी के सहारे अपने आप को बचाने में कामयाब होगा 31 दिसंबर 2019 तक। तो ऑल इन ऑल फिलहाल मुझे राजीव कुमार के ऊपर कोई भी परेशानी ऐसी आती हुई नजर नहीं आती है। साफ साफ दिखता है कि सीबीआई को बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, शायद फिर भी वो इनकी कस्टडी ना ले पाए। कुछ और अलग तरीके से सोचना चाहिए सीबीआई को। अगर राजीव कुमार की कस्टडी लेनी है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? चलिए देखते हैं, कार्ड निकालते हैं। लुक एट दिस कार्ड। अभी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीबीआई को। उस अपॉर्चुनिटी का फायदा सीबीआई किस तरीके से लेती है वो उनके ऊपर है। कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी सीबीआई का ध्यान वही है। देखिए, ये बंदा है, यहाँ पे उसका ध्यान केवल यहाँ पे, उसको एक कहीं से एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक ओपनिंग मिल रही है, लेकिन वो उसका ध्यान उस ओपनिंग की तरफ नहीं है।
तो कोई ना कोई ऐसा क्लू है जो सीबीआई की नजर में नहीं है अभी। वो क्लू को अगर सीबीआई हाईलाइट करती है तो शायद वो राजीव कुमार की कस्टडी लेने में सफल हो जाएगी। तो सीबीआई ने पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए उस क्लू की तरफ जिस तरफ उनका ध्यान अभी नहीं है। सो दैट्स द रीडिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।